दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल निशार पिजन क्लब दिल्ली में, और मैं आपका भाई निशार आज आपके लिए लेके आया हूँ एक लकवे की दवाई, जिसे कहते हैं रामबाण समझ लो या आपका सॉल्यूशन समझ लो। बहुत बड़ा कंपटीशन का टाइम चल रहा है, मार्च चल रहा है, अप्रैल आने वाला है, कंपटीशन चालू हो रहा है दिल्ली में। तो सभी भाइयों के मैंने सुना वायरल में कबूतर मर गए हैं, बहुत लोगों के मैंने देखा जो वायरल चला था अभी जो होली से 15 दिन पहले जो वायरल आता है उसमें बहुत लोग कबूतर मर गए हैं, लकवे में है कुछ कीमती कबूतर जो उड़ने वाले हैं। तो आज आपके लिए मैं उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ, वो सॉल्यूशन जो लकवे वाले कबूतर आप कहें हिल रहे हैं करंट में, जो टेढ़ी गर्दन कर रहे हैं, वही कबूतर आपके अभी बहुत टाइम है अप्रैल आने में, अप्रैल मई में वही कबूतर आपके ठीक करके आप उसको उड़ा सकते हो। मेरे 5 साल से मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कबूतर अपने भी, मुझे भी उड़ाने का बहुत शौक है, तो मेरे कल कबूतर पहले टेढ़े हो जाते थे कंपटीशन के टाइम पे, वही कबूतर मैंने ठीक करके वापस उड़ाए हैं। पहले तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा उन कबूतरों से जो मैंने ठीक करे हैं, उसके बाद मैं उनकी उनका सोल्यूशन बताऊंगा, तब आपको थोड़ा बिलीव होगा कि क्या है, कुछ किया भी है नहीं किया है, क्योंकि मैं वही चीज़ बताता हूँ जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ हो या प्रॉपर हो। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जो इस सीजन अभी इस वायरल में मेरे कबूतर 2-3 कबूतर ही जाया हुए, ज़्यादा नहीं हुए, वो कबूतर मैं दिखाता हूँ आपको जो टेढ़े हो गए थे हवा में आए थे। मैंने 2-3 कबूतर ठीक कर लिए, एक कबूतरी रह गई है, और पिछले सीजन की भी मैं एक कबूतरी दिखाऊंगा जो मैंने ठीक करके वापस कप में उड़ाई थी। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना छोटा सा लॉक टाइप बनाया, ये वो कबूतर है जो मैंने अभी ठीक किए हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी सबसे पहले कबूतर आया था मैंने उसको ठीक किया। देख रहे हैं इनकी चटक, देख रहे हैं आप कितनी चटक हो गई है इनके अंदर, सीधे होने के बाद तो हाथ में भी, हाथ भी नहीं दे रहे हैं। देखिए ये देखिए कबूतर है, इसकी आईज देखिए पहले आप, गुलाबी पलक का फुलसरा कबूतर है। देख रहे हैं इसका रंग कैसा हो गया है, पूरा मट्टी में हो गया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत पकड़ता हुआ वही, इसको इतना गंदा हो गया है, चटक बहुत है इसके पंजे। अब आप देख रहे हैं इसकी गर्दन, ये पहले बिल्कुल जमीन में टच हो रही थी, अब ये गर्दन बिल्कुल प्रॉपर ठीक है। ये मैं आपको छोड़ के दिखाता हूँ, बहुत चटक है इसमें, बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं कितने हाथ में पकड़ने भी, अपने आप को हाथ में पकड़ने भी नहीं दे रहा है, ये देखो से ले रहा, ये मैं इसको छोड़ूंगा, ये सीधा ऊपर प्रॉपर सीधे बैठे हुए हैं। आप ये नोटिस कीजिए कि टेढ़ी गर्दन के जो कबूतर रहता आज वो सीधा बैठा हुआ है, उसी में एक ये था, ये भी देखो इनमें फुर्ती कितनी बढ़ गई, ठीक होते इनमें फुर्ती कितनी बढ़ गई है, उड़ने के लिए बेताब है, प्रॉपर ठीक नहीं हुए, प्रॉपर कोर्स चल रहा है इनका, और ज्यादा दिन भी नहीं हुए, मुश्किल से 2 हफ्ते भी नहीं हुए। ये मोमिया चोच पंजों का, ये मेरे ज्यादातर जो बीमारी आई है वो पाक होने वाले कबूतर में आई है, जो कबूतर पाक हो रहे थे उन्हीं में आई है, घर के पट्टे हैं मेरे, देख रहे हैं आप, ये 4th-5th गली में थे और जो पाक हो रहे थे बच्चे लास्ट गलियों में। अब आप देख लीजिए ये पूरी गर्दन टेढ़ी थी इसकी, और ये बिल्कुल आपके सामने सीधा है, उड़ने की फ्रास में है, देख रहे हो, ये मैंने इसको छोड़ा और ये सीधा वहां पे, थोड़ी हरकत इसमें अभी रह गई है सिर्फ मामूली सी की प्रॉपर वाली। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक कबूतरी जो और रह गई है इनकी तरह होने वाली है, जो इनकी तरह ठीक हो जाएगी, नीचे बैठी है बिल्कुल ऐसे भागती थी गोल गोल, कल्परी कबूतरी, देखिए मेरे बड़े कबूतर की पट्टी है, देखिए इसकी आंख देखिए पहले आप, काली चोच काले पंजे की कल्परे जो मेरे कहते हैं घर की नस्ल है वो है ये। ये पूरी ऐसे हिलती थी, अभी भी देख रहा हूँ हल्की हल्की मूवमेंट कर रही है, हल्की हल्की है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसकी वीडियो मैं आपको प्रॉपर दूंगा, इनकी वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, इसको ठीक करके प्रॉपर आपको दूंगा, तब आपको शायद बिलीव भी होगा, वैसे आप खुद ट्राई करेंगे तो बिलीव होगा। ये देख रहे हैं
श्री दाना पीना सब अपने आप खाती है, मैं किसी को दाना नहीं खिलाता हूँ, इनको ये सारे अपने आप खाते हैं। शुरू में खिलाया था बस, अब ये खुद दाना उठाते हैं। ये कबूतरी एक बचगी है जो ठीक होने के लिए, पहले बिल्कुल गोल गोल घूमती थी, अब नॉर्मल सिर्फ गर्दन हिला रही है, टेढ़ी होने वाली है हवा से जो है ना, हवा से फिर ये टेढ़े में आते हैं, टेढ़े में आते ही ठीक होने स्टार्ट हो गए। पिछले सीजन की मैं एक कबूतरी और दिखाता हूँ आपको, जो मैंने 3 सीजन कप में उड़ाई है। ये देखिए नफ्ती कबूतरी है, कल्परी नफ्ती, आंखें देखिए इसकी एक बार, दो तीन सीजन कॉम्पिटिशन्स में उड़ाई है, बिल्कुल ये टेढ़ी हो गई थी, ऐसे ऐसे थी ये, बाकी मैंने इसको कॉम्पिटिशन के टाइम था परंतु हुई थी उस टाइम टेढ़ी हुई, तो वापस ठीक किया, फिर दोबारा इसको मैंने ठीक करके उड़ाया। ये पिछले सीजन की टेढ़ी थी, आज ओके है कबूतरी मेरी, और हर सीजन मेरी 2-3 सीजन उड़ी हुई है, देख रहे हैं कबूतर भटक रहे हैं, लड़ रहे हैं, बस थोड़ा सा रह गया और ठीक होने का टाइम है, होने वाले हैं फिर यही कबूतर मेरे वापस उड़ान में लग जाएंगे। तो दोस्तों बीमारी से कबूतर आप परेशान ना हुए, हर चीज़ की भी बीमारी आती है, वायरल आती है, हमारी गलती होती है, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, उसमें आप ध्यान रखिएगा। आगे आगे से मैं आपको फिर हर टाइम पे टाइम टू टाइम एक वीडियो देता रहूँगा, मौसम के आने से पहले, जाने से पहले, जो भी रहेगा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं आपको दवाई दिखा देता हूँ जो इसका रामबाण इलाज है प्रॉपर, ये निरोबिन फोर्ट टैबलेट है, निरोबिन फोर्ट, सभी को पता है, सभी दे रहे हैं इस टाइम, कुछ लोग दे भी रहे हैं, जिसको नहीं पता उनके लिए ये एक टैबलेट एक टाइम, ठीक है, सुबह शाम ये धीरे धीरे देना स्टार्ट कर देना, जब कबूतर आपका एडजस्ट करना स्टार्ट कर ले, ये थोड़ा उल्टी करता है इस कबूतर खाने के बाद ना, तो एक टाइम देनी है आपको अभी, ये जब एडजस्ट करने लग जाए कबूतर तो दोनों टाइम एक एक गोली दे दें आप, ठीक है। काले चने ये भिगो के रखने हैं आपको, और एक कबूतर को 10 या 15 देने हैं, दो टाइम देने। उसके बाद है, ये है मेन चीज, सबसे मेन चीज ये है सूखा गोला, नारियल कहते हैं कई जगह गोला, ठीक है, ये आपको ऐसे काट के रख लेना है, ये काट के रख लेना है ऐसे, छोटे छोटे चने से जितने टुकड़े काट के एक कबूतर को पहले स्टार्ट करने हैं 5-6 से, वो धीरे धीरे जब उसको डाइजेस्ट करने लग जाएगा, उल्टियाँ करेगा थोड़े दिन 2-3 दिन में, उसके बाद उसको 10-15 तक आप दे सकते हो, ये मेन चीज़ है। और इसके बाद एक बादाम एक टाइम, ये आप देख रहे होंगे, ये है उसी की तरह दूसरी मेन चीज, ये मशीन का तेल है, आप देखिए इसको, मशीन जो लेडीज घर में कपड़े सिलती है उसकी मशीन आती है कपड़े सिलने की, उनका ऑयल आता है, ये वो ऑयल है इसके अंदर, पर दूसरी चीज और मिली हुई है, मैं आपको बताया तो आपको 200 ग्राम तिल का तेल लेना है, 200 ग्राम तिल का तेल, ओके, उसके अंदर आपको जो है इस मशीन के तेल का एक हिस्सा, ये वाला नीचे वाला, ये ऑयल मिलाना है एक हिस्सा इसका, 200 ग्राम तिल का तेल मिलाना है, और 15 से 20 कली जो पहाड़ी लहसुन होता है वो आप उसको जला लें उसके अंदर, तेल के अंदर काला कर लें, और फिर उसके बाद तेल छान के ठंडा करके रख लें इसके अंदर डाल के, और आपको ये हर रोज़ 5 से 10 कतरे इन लकों वाले कबूतर को आपको अपने देना है इन दवाई के साथ। तो दोस्तों ये है आपका रामबाण प्रॉपर इलाज, इन कबूतरों को प्यासा नहीं रखना है, धूप में रखना है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना धूप में रखें, उनको प्यासा ना रखें बिल्कुल भी, पानी अगर ये दूध पी ले ठीक है, नहीं तो आप इनको पिलाएं, ज़्यादा नहीं तो एक हफ्ते तक इनको पिलाएं, पानी वानी जो है एक हफ्ते तक आप इनको जो थोड़ा बहुत उसके बाद, और अगर आपका कबूतर खुद खा रहा है तो बाजरे से बढ़कर कोई चना या कुछ नहीं है, वो आप उसको खुद खाने दें, मेरे आप देखें बाजरा अंदर पड़ा हुआ है,
बाजरा खाते हैं, चना मैं डालता हूँ वो भी खाते हैं। अगर ये कबूतर खुद बाजरा खा रहे हैं, आप इनको बाजरा खिला सकते हैं हाथ से, बाजरा सरसों खिला सकते हैं, तो उससे बड़ा कोई ठीक नहीं कर सकता। सबसे पहले ये बाजरा इफेक्ट करता है, क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और गर्म होता है और बहुत प्रोटीन वाला होता है बाजरा जो है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप फॉलो कीजिए। और एक इसमें एक चीज़ और है, इसको हफ्ते में 2 बार A to Z विटामिन इन्हीं कबूतरों को दे सकते हैं आप। जो कैल्शियम की और विटामिन की कमियाँ थोड़ी बढ़ जाती है इन्हीं दौरान भूखे रहने से, बीमारी आने से वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये मेरा खुद का आजमाया नुस्खाया है, और मैंने कई कबूतर इसे ठीक करके वापस उड़ाए भी हैं, मैंने आपको दिखाए भी हैं अभी। और भी कबूतर काफ़ी सारे मैंने ठीक किए हैं दोस्तों के इधर उधर, उनको काफ़ी बताया, उन्होंने उनके कबूतर भी ठीक हुए। तो आपसे गुजारिश है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। उड़ान का टाइम है, किसी भाई कबूतर ज़ाया ना जाए, कॉम्पिटिशन वापस लग जाए। तो आपसे विनती है कि इसको शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपको अच्छे लगे तो। और फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो कुछ ना कुछ और लेके आऊँगा। इन्फेक्शन की एक वीडियो और आ रही है मेरी, जो चला गया है लेकिन आगे के लिए भी आया है, अभी कुछ बंदों के कबूतरों में है, वो भी ध्यान रखेंगे आगे से। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। आपका भाई, आपका दोस्त निशान पिजन क्लब दिल्ली। अस्सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।